मेरा नाम सौरभ है, आप ललन टॉप देख रहे हैं। हम इस वक्त कालपी में हैं जो उरई जालौन लोकसभा का हिस्सा है, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का जिक्र आता है तो लोगों को लगता है अच्छा बुंदेलखंड बीहड़, वहाँ जहाँ डकैत होते थे। और फिर एक डकैत का जिक्र आता है जिनका नाम था फूलन देवी। वो कालपी तहसील के गुढ़ा का पुरवा गाँव की थी। मैं इस वक्त फूलन देवी के घर में हूँ, उनकी माता जी के साथ हूँ जिनका नाम मुला देवी है। जैसे हम लोगों ने मुला देवी को उनके गांव में रोका कि चाची आपसे बात करनी है, तो उनका दर्द फट पड़ा। बोले मीडिया वाले आते हैं, सब पूछ के चले जाते हैं, सरकार के लोग आते हैं, कोई कुछ करता नहीं हमारे लिए। उमेद सिंह का जिक्र आया तो उसकी भी खूब शिकायतें हैं। तो हमने उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि आपकी जो भी दुख तकलीफ़ें हैं वो सब आप बता दो और हम कोशिश करेंगे कि ललन टॉप के ज़रिए वो लोगों तक पहुँचें और आपको न्याय मिले। जा बताओ चाची, सबसे पहले तुम्हारे क्या लड़का बच्चा आते हैं? 5 बहने भाई अकेले। अच्छा, अगर ग्वालियर इंदिरा गांधी बेचारी इंदिरा गांधी हम जी हैं टेलो नावले, इंदिरा गांधी ने जो फूलन ने मांग करी, तीन तीन ठेला, तीन तीन जिला की पुलिस आउट थी। हाँ सुनो, हम दुखे नहीं हैं। तुम नहीं दुखी? ना, बराबर बात करी। और जब सरकार ने शकल न देख पाई फूलन की, फूलन गाँव में घूम रही, पुलिस बाहर घूम रही, हाँ जब शकल न देख पाई हट गई। हमका 1 महीना थाने में बैठा रहे। 1 महीना? हाँ, फिर हमें चालान दे दो, रही जेल में बंद रहे। जेल में तुम रही? हाँ सुनो, पहले रहे थे कि सिर्फ तुम? हम अकेले उनका दुगा रहे वे बिठिया माई, और 3 बार कुड़की भाई। हम आओ बेटा बेटा हम आओ भूखो प्यासो पढ़न जाए तो मंगरावल में पढ़ाई नहीं बंद करी लाला हमने बेटा की छोटो से तुमने शिव नारायण अब बता तो रहे क्या कर रहे। जब फूलन देवी के पता लगो, आदमी आने लगे, इंदिरा गांधी भेजन लगी, बेटी हम बैज बिठिया बैज बेटा ही हम हरी चिड़ी हम तरे बैठ जाइए, तुम कैसे आई कैसे जाइयो बताओ। तो जब निखत छ गई सरकार, जब तीन तीन जिला पुलिस आई, पुलिस ने शकल न देख पाई फूलन की, 3 दा कुड़की भई लाला कुछ ना रखो पुलिस वाले ने, कालपी थाने की पुलिस। अय्या मैया दीन ने झूठी डकैती लगाई। मैया दीन तुम्हारी गांव को? तो जेठ को लड़का है, जेठ को लड़का। हाँ, तो इन्हें झूठी डकैती खेती के पास ही लड़ जाती फूलन। तुम्हारी खेती के पीछे फूलन पे लगवा दो, फूलन लड़ जाती। हाँ। गल्ला न बांटे तो फूलन लड़ जाती। मैया दीन हमारे हिस्सा को गल्ला दे दो, और देखो लड़ो ना हमारा हिस्सा दे। तो मैया दीन जब बेईमानी करे ना दे लड़ जाए, तो फूलन दी कहने लगे तिहाओ हम देखो चलो घरे, हम तो रास लेके मैं नहीं सुबह थाने जा तो कहा अच्छा डके थे झूठी कहके आज तो कि फूलन के घर डके था। हाँ कि डके दो यार कहचा रहे थे, जब पुलिस अब हूँ पुलिस गद्दा रहे ये कालपी थाने की, हमाओ खेत जैसे नप गो पुलिस द्वारा, पुलिस ने नप सरकार ने नपा दो तो काट ले थे, हम थाने जाइए तो रुपया दे दे का छोड़ दे थे। पुलिस अब हूँ बदमाश है कालपी थाने की, ये चाहिए तो काम है ये नहीं बस। तो लाला भिदवाई आने लगे, भेजने लगी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बनी थी, उनने जो फूलन ने मांग करी, फूलन की मांग पूरी दई, अब हाजिर करा दई ग्वालियर में। हाँ, अगर है नमाओ बेटा रहा तो हमाओ बेटों को मैया दिन बिगाड़ दे तो नौकरी लगा दे। इंदिरा गांधी की मांग फूलन ने जो मांग करी है, मांग करी थी फूलन? अरे बहुत मांग करी थी, सब कुछ दे गई, बट ये कहती थी हम फूलन ने कही पुलिस ने घर डाल दो, कच्चे घर थे, तोड़ दो तो घर पूरे पट्टे गए थे, तो कहीं हम घर बनवा दें खेती दिवा दें। हाथी 50 बीघा साझे साझे तेल बिचारी की हत्या आएगी तब ग्वालियर में आती जो की भाई है इंदिरा गांधी की। हाँ। हम हाजिर करा के फिर मारी गई, हम टीवी ले देख रहे लाला दू दाग हते पेट में इंदिरा गांधी की। अच्छा वो खत्म हो गई कि अब का वही है, फिर वो खत्म है राजीव गांधी थाड़े में उनका एक डुकरिया चली गई मारा खाई आई। हाँ, हम रह गई सब जनी ऐसे कि अब का वही है। तब तो फूलन ने सब पर लगा के चली गई दिल्ली, तो मुलायम सिंह ने केस वापसी ले ले। तब हमका कुड़की कि इनको सामान सब भर लेगी, एक सरकार ऐसी इतनी चीज़ नहीं दी भाई। अब बेटा हम भूखो प्यासो पड़ते रहोगे,
नदियों को पानी न पिए, जमुना को न पिए, तब हमारी माँ ने लेज भेजी तो गैला फांस दे कुआ मही बहत फमना दे। हमारी सरकार का सुनाई कर ली थी का कर थी। अच्छा, सुनो, 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 ये गिट्टी साहब के मुकदमा चल रहा हुआ है कई साल से फूलन। तो भैया दीन ने जो तुम्हारी जमीन दबाई थी वह वापस मिली? कहाँ दई उन्हें, सुना पहले जैसे पकड़ कर ली, सुना पहले सही बात बोल रहे। हाँ। फूलन ने पकड़ कर ली दोबारे, पकड़ भैया दीन के दो आदमी ले आए ऐसे करके ऐसे कपाए। तो पिताजी ने कही मारो ना बिधिया से कही, जो खेती दे सो ले, पाँच बीघा दे लाला। तो अब पुलिस के मारे दे रहा 200 का रुपया दे गई, 3 बीघा बैनामा करी दुई ना करा पाई। तो जो फूलन दी खत्म हो गई सो वो खेती जोत ली 2 बीघा, तो सरकार दिवा नहीं सका थी। बताओ के जब मैया दीन ने कालपी के थाना में ऐसे फूलन की झूठी शिकायत कर दी तो पहले तो फूलन को ब्याह कर दो, तो तुमने कहाँ ब्याह करो? तो महेशपुर की मड़ाइया 10-11 साल की थी तब तनक सी तो शादी कर दी थी पुत्तीलाल से। हाँ पुत्तीलाल से करी। हाँ तो उनने कहा करो लाला ये लड़की बीमार ही गई नीचे न रहे, तो उनने हमारे घरे कर गए और ही शादी कर ली। तो अपने घरे घरे फूलन के घरे कर गए और उन्हें दूसरों ब्याह कर लिया। हाँ तब अपने घरे क्या साल की थी तब फूलन? अरे वही 12-13 साल की थी, बना पतरी से ऐसी ऐसी तो ब्याह लेना थी। तो इतने जल्दी फिर काहे ब्याह कर? अरे खेती के मारे जाना तो कर दी थी, 4-10 साल गौनो ना हुई तो कटकटी हो जाइए। तो अकेले घर की है तो का करे तो फिर गौनो तो जल्दी काहे कर दो ब्याह? अरे जब नहीं माना तो भौरी पर ही विदा करो तो का जानत थे कि मैं कहां लगे विदा करो। हां ये जानत थे का कि माई बिटिया या बीमार हो जाइए जाके। राजू नहीं आ राजू? हां पापा नहीं है? पापा हारे गए खेत गए। फिर विदा होके वापस आ गई थे, फिर मैया दीन से लड़ाई हो गई, बिन ने थाने में शिकायत कर दी। फिर अरे वो एक साल पुलिस वाले ने चुकमा नहीं जान दो, कहूँ रात की पुलिस गिरे कहूँ दिन के आवे कि डकैतन की शक्ल न देखी लाला कैसे वो थे। हाँ ऐसी सरकार है। फिर बाकी बात फिर फूलन कभी कहीं छोड़ के गैंग में वो कह के गई, हम गए थे थाने, थाने गए हमें एक कमरा दे तो हम अपनी लड़के कहीं रखे ऐसे को ये जो डकैतन का अपने औलाद दिए। तो उन्होंने कहा करो लाला इतने खेन आ गए कालपी से हम आ गए बिटिया के लिवा के। हाँ। जाओ दरोगा ऐसे ही यादव हो तो ये कहते जाओ तुम भी मतलब वो भी मतलब क्या करे लेके जाओ घरे को नहीं है। हम घरे आके बैठे पूरी गेंग आई, हम हाथ जोड़ रहे डराने ना थे, पिताजी दुख रहे और बिटिया दुख रही, अब भाई का पकड़ो सो बिटिया मायने की भाई को छोड़ो हमें चाह मारो चाह विक्रम बालू विक्रम मल्ला को गया। हाँ हाँ तो मैं सब जानू वो एक कह दई फोटो बता बता दई। हाँ सब कह दई हजारन दई ऐसे ले गए कि चलो बताओ बताओ। नहीं नहीं हम तो जौन तुम बता रही तो हम जब पूछ रहे हमें सही पता कि नहीं सुनोगे नाम। अरे काहे के लाला हम झूठी कभी बोले? तुम झूठी नहीं बोल रहे, हम तो अपनी जानकारी लाने गांव वालन की तुम पूछने लगा तो तब कुछ बता देंगे सब चले जाओ। हमारे तुम्हारे पास आए गांव वाले से पूछ ही नहीं आगे को सही बता रहे हो को गलत बता रहे हो। हम ये कह दे तो देखो बाहर के आदमी आए तो गांव वाले हम उनकी बात नहीं कर सका। अच्छा। उल्टा सीधी फूलन के बता दिए हम तो जाएगी मारो तुम्हें से पूछा ना आएगा गांव वाले उल्टा सीधी बोल दी बता दे मल्ला। अरे सबको देखा रहो हमने हाथ जोड़े हमने डराने ना थे कि छोड़ जा लाला छोड़ जा लाला कहीं जाओ रिपोर्ट कर दे जा कि विक्रम ले जाए गए रिपोर्ट करे रिपोर्ट ने लिखी रह गए रो के कुछ ना रो के रह गए। फिर का फिर फूलन देवी आसमान ले चलन लगी दुनिया थर्रा गो हम का बता मैं औलाद आ तुम सही बोल रहे दुनिया दे रहा गो फूलन दे गए जहाँ जा जब देखो इतना बड़ा मैक रखती मैक से बात करती और हम हाथ फेराती भी दिया कोई कमरिए ना मोदी घबराने लगा था कई अम्मा बात कर रहा था मैं एक से कोई के नहीं मान सरकार सुनाई करी का हमने हमारी सुनाई नहीं करी। और देखो जब चालान दो है झूठी मैया दीन की मान गई थाने की पुलिस मान गई हमारी जमानत कवा तो पूरो मलाव गांव भरे फिरे पूरो मलाव जाओ कौनों न गो कि फूलन की जमानत करा ले न रेहान के फूल सिंह के लड़का जयकरा न बने ठाकुरन ने जमानत करा कि विधियक लेवाला है आगे समझ में हमने कोई इतना आटा नहीं मांगो कि मैं आटा दे पुलिस आती आराम है।
बिटिया आटा ले जा मटका फोड़ जाए मटका फोड़ जाती है। अरे पानी पियन का माँ भी था तरसे तो फिर बाद में जब ऐसा गैंग गैंग होगा तब तो फिर गांव वाले ठीक से रहते हैं, फिर तो सब डराते हैं फूलन से। हम सामने ना होते ना गैंग के ना गांव वालों के। हाँ। जैसी बात हम दुखी रहते तुम फूलन से दुखी रहते थे क्यों दुखी रहते जाने का करे का ना करे। हाँ। हम अच्छी बुरी बातें ना करे तुम सब दुख रहते तुम्हारी लाने तो मोड़िए जाती बिटिया थी तो। हाँ। कह गई थी मैया दिन का नाम आ रहा तो लड़के भाग गई थी कहते हम जंगल जंगल घूम रहे भूखो पे ऐसे मैया दिन के तुम वो बचा रही हो ऐसे कोई है तो मैया दिन हरामी ने खर गो दई दवाई खेती है चले हरामी ने। हाँ अब का करें फिर जब उत को बता रहा तो जब जेल से निकली फिर नेता बन गई तो फिर तुम दिल्ली रही थी वहाँ संगे जाके तो नेता खुली खुला उन्हें बना दो मुलायम सिंह ने जीत दई दो ना संसद बन गई का झूठी यहाँ का झूठी। हाँ अरे जाते ना महीना बने रहते बिटिया के ना सब पूरा परिवार रहते तो। कैसे ना जाइए हमारी औलाद जहाँ जाइए बोले ये तहाँ जाइए तो एक छोटी हो बिटिया तो है तुम्हारी जोन फिर नेता बन गई। अरे नेता बन गई तो बन गई उनसे का मतलब कहाँ रहा था हमें पता नहीं है कहाँ है। तुम्हें तो अकेली रहती हूँ अकेले न रहते हमारी बिटिया खत्म हो गई लाला माते ना वो पाले आ गई चलो चारा करिए बारी में जितुआ में यही दिन में बिटिया के जाने का होगा का खबा दो वही डरी रही जब ले आ गई भाग गई गाँव में न कही वही बेहस डरी रही खेती में। हाँ जितुआ में ऊपर वही पार हम हते न लाला हम बेटा की नाते तो बेटा कहाँ रहा था बेटा तुम्हें पता नहीं है नौकरी नहीं ग्वालियर में झूठ ना बोलो कर नौकरी नहीं करो इंदिरा गांधी राजगद्दी में बैठा गई बेटा का मां के नौकरी रह गई तो लेकिन फूलन ने तो उम्मीद से ब्याह कर लो तो बहु नेता बन गो बहुत ध्यान नहीं रखा तुम कुआ में गिरे जा नाथ भाई जहाँ फूलन गई था वहाँ चलो जा हमें काले नहीं देनी जब संपत्ति हड़प कर ली तो काले नहीं देनी। अरे तो खा तो फूलन के नाम की रहे को ख्याल नहीं रख वो की ठठरी बन गई हम का करे तुम कहियो डुकरिया गुस्सा दे सब सब संपत्ति खा गो मरवान वो शामिल मर गए वो मर जाए हैं कौन बने रही हैं। हाँ लड़की तुम कह रही कि वो मरवावे में शामिल है और का कहा है सब कहे में शामिल है जब जब लड़की का अंत पंत चलो वो लड़की गेट में मरी डरी रही बहु को तो मुकदमा चल रहा है मारे यहाँ का हमें मतलब नहीं है बैठार गई कात का धड़ गई हम बड़े बड़े नेता हम गए कि बिटिया का भगाओ दो नंबर को आदमी है बिटियों ने ना भगाओ सब नेता फूलन से कहते कि उम्मीद दो नंबर को है और जिनको जनू होते तो उनका रोकते डांटते तो अब देखे तुम लो अपन पता दे हमें पता दे देखे तुम हमें कह दे भाई हम सरकार से देख रहे अब के की सरकार है के की बनी है। हाँ। बोलो तुम हमें बता बता। जिन्हें तुम वोट दो भाई की सरकार वहाँ बन गई अबे कहाँ कल वोट गिरने ऐसे नहीं अब तुम सही सही बोलो जे हम वोट दें तो वो सरकार बन जाये जिनके सब जने वोट दे जिन्हें सबसे ज्यादा वोट मिला भाई की सरकार बन जाए हमारी सुनो। हाँ। अब तो कुत्ता बैठे हैं ये माँ जे का पैसा दे नोट सुनो। हाँ। अब पाँच पाँच छः छः हजार तो बांट चुको मोदी। हाँ। और जो ना कोरे बैठे तो तब ना दे जैसे सही बात बता रहे हाँ। न सूखा के दे न कह के दे और जिनका पैसा मिले जेब गरम करे मोदी ने तो नहीं दिए हम तो ना दिए हमें देखें सरकार हमें मार डाले का करिए मोदी मारे का है। तो प्रधान ने नहीं दाओ के पैसा कहाँ बुलाओ प्रधान का सबका सबका लेटरिंग बनवाओ थे एक सामने गरीबन की लेटरिंग नहीं बनी हाँ सरकार बनवा रही बनवाई बेटा ने बनवाई हाँ तो प्रधान ने कोई गांव में नहीं बनवाई अरे जिनने पैसा दे उनका बनवाई नहीं पैसा ले तो वो बनवाए तो फ्री में बनती को हम तो मांगा तो पैसे पाँच पाँच हजार लिए नाथ भाई ने नाथ भाई ने पाँच पाँच हजार रुपया लिया 12,000 तो आता ही है टोटल। अरे यार ओके कॉलोनी जिनका दही ये देखो एक बनी सामने इनकी आप कक्को तुम्हारी बनी कॉलोनी वो बहू हिना हिना तो हिना है ना ये कौन सी कॉलोनी की बता रही है तुम यही गांव के हो हैं इतने आप यही गांव के हो क्या कह रहे हैं अरे इतने तो आओ डर रहे बताओ। हाँ ये रह रही है कि छोटे छोटे बच्चा सुन ले पहले पहले लम्बर गेहूँ बह दे
नदिया थी, पूछ बता सब चल गए। कॉलोनी के कितने पैसा मांग रहे हो तो प्रधान? काहे के प्रधान? हम प्रधान ने कुछ नहीं मांगे, हम तो कुछ कही गया। ये तो कह रहे कछु नहीं मांगे, तुम कह रही 5-5 हजार मांग रहे हो। कॉलोनी वाले से नहीं ले रहे हो? चलो सामने सही बात है, जय गाँव के हो है का कॉलोनी के पैसा ले रहे हो प्रधान? तुमको मिली नहीं है? नहीं जने हैं बेटा हूं तो बता मैं कहते और त्याग माइक पे बोलो मुको मिलने वाले हूं मिलने वाले हूं नाम झल्लू झल्लू का करा तू हैं काम का करा हम कानपुर में रहा हूं जय गांव के हो नहीं बाहर के हैं तो का रिश्तेदारी में आएगा नहीं घर है हमारा तो हम पूछ रहे जय गांव के हो तो कह रहे बाहर से साहब वो इससे हम यहीं आए अब रात है नहीं हमारा गांव हमीरपुर जिला है हमीरपुर जिला में इतना का है गोड़ा में घर है मकान है सब कुछ हुआ के लिए रिश्तेदार है ससुराल है तो ऐसे बोलो सर भैया कह रहे कि जीजा हो गांव के कह रहे घर हमीरपुर में है नौकरी होते कर तो रिश्तेदारी माए का जो ब्याह ना ना, ना भाई मकान है ससुराल में मकान मिलो हाँ कम झूठ बोले थे पान से ले तीन का वो दही सिलेंडर और गैस सिलेंडर पाँच सौ रुपया जिनका सिलेंडर गैस आ गई चलो हम पूछा दे जिनकी जिनसे बताओ को नहीं भाई साहब सब लोग संत हैं ना मिलो ना जाने तो मिलो अब मिले वाले से मतलब पूछो जाया ना मैं मिलो आए ना मैं मिलो आए हमको नहीं मिला तो कानपुर रहा तो कानपुर रहा ने तो मतलब राशन कार्ड कहाँ को सही है क्या राशन कार्ड ससुराल को है राहत कानपुर में है तो सरकार तुम्हें कहाँ दे आके जा बताओ जहाँ को राशन कार्ड होते राहत नहीं है ना तो वोट डाले आए हैं अब आप काहे के मारे आए हैं को हम बताओ काहे आए हो तो अब बताओ राशन कार्ड मतलब वोटर है तो मतलब आएंगे वोट डाले ना आए हो हाँ अच्छा तो तुमसे कोई वोट मांगे ना आओगे नहीं आओ कैसे जी तुम कौन के दमाद हो रामचंद्र की जो बड़ी बिटिया की रामपति अरे ये तो बहुत सालन से ये नाम से पूछो यहीं बसे ससुराल में अरे यार सबको उड़ान लगा तो बिटिया दमान तो अच्छा बिटिया दमाद है ही रहा हाँ ये कैसे बाबा हमने तो जल्लू क्या काम करा तुम कानपुर में मोमोज का काम मोमोज का सुना पहले हाँ सुनो पूरे गांव में देखो जितनी लड़का उन्दे सब बाहर कमा रहे इनका खाने माटी माटी खा ले खेती रह को है नहीं कछु खेती में पैदा नहीं हो गई है तुम्हारे देखो ज्यादा हमसे बात ना करो एक ही नाच भाई की छठरी बन गई मोदी का भाव को का भलो का तो देख ले छुट्टियाँ नहीं रही कहाँ तार लगावे तो तार नहीं लगा दे जब कहाँ से नाद बने पहले मने गैया खा जाती सब खेत में फसल है सब खा गए तार को नहीं लगा दे वही मोदी मतलब कहने जेल चले जाओगे तार से कट जाए तो जेल चले जाओ देखो सुना श्री बाबू तार लगवाओ तो मंगरौल की जिनकी खेत है तुरते पुलिस पकड़ ले गई थी हमका झूठ बोला था तार लगवावे पुलिस पकड़ ले गई तार न लगाओ कहते हां तो का मोदी का तार मतलब बिजली ना भाई तुम का कटीले तार कहां पड़े हुए चौ फिर जैसे खेत है चौ फिर लगावे नहीं नहीं बता तो हमें पता है हमें सुनो कहां लो बैठे पकड़ के गईया भूखी प्यासी है एक एक ठेला जाने कहां से गईया कर जाते परोगा में हां ठेला भर के गईया है तो छोड़ जाओ हां सुना पहले हमारे गांव के हाँक लगे तो पुलिस डंडा देती ऐसी तैसी जा मोदी हुलकिन के जाए वो लड़का बाहर न कमाए तो कमाती खा ले मोदी मोदी पुराने रुपया मनैन के खजाना बोरा भर भर चलाए हाँ ये नहीं चला रहे तो हम तब कह देते 500 वाले धोखा में दे ला गाड़ी वाले का मैं चढ़ू बुखार और सब जने तो कहा के बहाने इतने शौचालय इतनी कॉलोनी बनवा दी सिलेंडर चलो गाँव भर में दिखा मैं चलो हमारे घर देखो चल जा सिलेंडर कहाँ दर हुआ तुम तो ग्वालियर रहती ना कब ग्वालियर बात के तुम्हारे मोड़ा की तो सरकारी नौकरी तुम्हें जरूरत ही नहीं है सरकार चलो सरकारी नौकरी तो का खर्चा नहीं है तो भाई तनख्वाह मिलत ना तो तन कब फ्री की मिला थे जब पॉइंट हो रहा था लपट लुक में अरे अम्मा भी जा कहा था कि जो बहुत ही गरीब है जिनके घर कोई सरकारी नौकरी नहीं करा उन्हें जरूरत है जिन सब चीजन की तुम्हारे तो मोड़ा ही नहीं बनवा दो ऐसे नहीं
चल बहू तो एक ही लड़का कितनी नौकरी कर रहे थे, छोटे छोटे लड़का पगलू को कही ना बताओ तो नहीं है। चल चल हम दिखा में चले, हाँ चल हम दिखा दे। तो जब बताओ सब, हम हाँ, पागल नहीं है हाँ, जिनके कुछ नहीं है सुनो हाँ, पहले हाँ, हम बड़ी खुशी सबका जिनके कुछ नहीं है हाँ, तुम तो कलौनी देव गए सिलेंडर देव हाँ, और महीना बंधा और रार रड़ी तनक तनक से बात हाँ हाँ तुम्हें तो बुरा नहीं लगा था। अब बेचारी रो रही हैं हमारे जो कुछ जैसे जब होते चैत करते तब दे भागत कुछ। अच्छा जो चीज बताओ एक डुको कि तुम्हें अब कहूँ ऐसा अफसोस लगा था कि अगर मैया दीन तब शिकायत नहीं करते तो फूलन आराम से गाँव ही में बनी रहती, जब लाइन ही में ना जाती जिंदा रहती। अब तो लाला जिंदगी भर सोचिए कह लाला ये मैया दीन तब तुम कहा था मैया दीन आराम ही माँ बिटिया के देख लाला गलत डकैती लगाई थी और डकैती डारी थी तो विजय ने पढ़री वाले ने डकैती डारी नाम फूलन को कर दो। अरे यार अब खोल के न बतवा सब आके डकैत है चौफेर सुनो दूसरे ने डकैती डाली हमारी बिटिया के नाम दर रिपोर्ट करी और ये गए ये दो ब्याह करे मैया दिन तो एक औरत के लिवा गए झूठी कि हमारी इस घर की कपड़ा नहीं लाला तो उसके बच्चों नहीं बहे आ गई समझ में तो हमारी जब बता हमारी बिटिया कैसी थी लाला देख तुम हम साजे में खितवा करे थे रामचंद्र के साजे में बिटिया मार कमेरू हतु काम करे हाँ ये नाथ बहन हमारी बिटिया घरे बनी रहती तो कोई किता गन्ना थी जो उंगरिया छू दे दो बैल से करती थी कमाती थी फौरा चलाती थी इतने तो हम बारी कर ले टिंडाला खेत के सब काम घरे को करौती थी हमारी ऐसी नाती बिटिया की उल्ट चमंदू है तम तब जी हैं तो लो मैया दिन का गाड़ी दी है हाँ कौन सरकार न सुनिए चाह मरो चाह जियो ये मत ये आए लड़का अपने काम से इनकी बाबा ये के ये देखे लब पता दे देखे कद भाई हो तुम फिर हम बात कर भी फिर देखे के की सरकार बने तभी सुनाई करिए वो डरन जाती हूँ वोट डरबे ना कब बैठे रहे डरबे मन ही तय कर डरबे नहीं जिनके मन हो उन्हीं के डारन चाहिए हाँ। एक अच्छा चीज बताओ कि जैसे गांव में हम बहुत सारी बिटियन से मिले तो बहुत सारी बिटियां पढ़ने ही नहीं जाती पढ़ाई जरूरी लगत तुम्हें कि नहीं लगत जब उनके खान का है नहीं है पढ़ाई पढ़ाई सड़क बता रहे जौन जमान हो जब खान का ना रुपया पैसे न लगे फीस न लगे कहा न लगे हाँ वो की ठटरी बंदा थी वकी नाथ भाई की एक ही प्रधान की जिनकी गरीब उनका शिकायत करके किताबें दिवावे कपड़ा दिवावे खान का दिवावे फीस नहीं लगत का जब खान का नाज नहीं है मैं तो कहा सरकारी में फीसों नहीं लगत और दोपहर एक टाइम को खानों मिलत सरकारी स्कूल में उनका जब ऐसे फेरी हो तो जाती ना सुनो स्कूल में हमारी और एक टाइम को खाना हमारी सुनो हमारी बिटिया जो खत्म हो गई हाँ तो वो के लड़का है बहू है और एक लड़की लड़का है तो वो के कुछ नहीं है गेहूँ काटन गई बाहर हाँ नाम लिखो हमारे नाती का हमें मिले न मिले हमारे मोहन नाम है बिटिया के लड़का मजूरी करन गए ये गेहूँ काटन बाहर हमारे नाती का महीना बन गया कह लाला मोहन का तुम जाने हाँ भूम ही न कुछ नहीं है ही गरीब की शादी कर रही तो यही करती खाती रही पार साल खत्म हो गई बिजली कनेक्शन है घर में बिजली कनेक्शन कुछ नहीं है जो तार डरो हम आई चले जाओ नहीं हुए हम अकेले हैं न कूलर न पंखा ये तो कटिया डरेगा तो बिजली कनेक्शन जोड़ा नहीं आओ तुम्हारे से हम तो ना दे बिजली कनेक्शन कहीं के दें पैसा माऊ से ले काहे तुमसे काहे नहीं ले हाँ हम तो ना दे पैसा पकड़ ले जा पुलिस के कटिया डाल हाँ पकड़ ले जा चले जाइए हाँ क्या तो पहले उड़े आए फिर रहे आए हाँ पहले कौन सी जेल में थी उरई वाली जब जाना था उरई वाली में रहे कल्पी में कहाँ काजी योद बनी है हाँ लाओ नंबर दे हमारे नाती का नाम लिखाओ महीना बंद आवा तब हम तुम्हारे धन्यवाद कहिए कि अच्छो करो हाँ। भूम ही नहीं हाँ।
अरे बिटिया की बिटिया को लड़का है गांव की वोटर लिस्ट में। अरे चलो कॉलोनी मिली थी जन कब तो घर बनो को कॉलोनी मिली थी। अरे अरे अखिलेश ने पैसा दे 50,000 तो नहीं हैंड पंप खुदा लो दुआरे हैंड पंप खुदा हाँ। लो अब गांव काट ना काटन जे तन का खाली मैं हां चलो मैं भरो महीना बांधा दे भरो भरो अबे ये कहानी का एक सिरा है एक तरफ की व्याख्या है लेकिन ये व्याख्या इस पूरे घटना के जो अहम किरदार हैं उनको देखने वाले एक शख्स के एक शख्सियत के मुंह से हैं। मुझे नहीं पता आपको बुंदेली कितनी समझ में आई नहीं आई पर इन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया कि इनके ही परिवार के मैया दीन ज़मीन का विवाद फूलन स्वभाव में तेज़ थी गेहूं में अपना हिस्सा मांगने जाती थी पड़री वालों ने कहीं पड़री गाँव है डकैती डाली पर मैया दीन ने जो फूलन का ही भाई हुआ चचेरा कालपी थाने में जाके कह दिया कि फूलन बदमाश लड़की और उसके घर डकैत आते हैं और फिर एक दिन विक्रम मल्ला आया जो कि डकैत था और फूलन को अपने साथ ले गया और वहाँ से दूसरी दिशा शुरू हो गई। फिर इन्होंने मुला देवी जी के मुताबिक फूलन ने गलत व्यक्ति से शादी कर ली उमेद सिंह फूलन देवी के पति जब वो सांसद बनी उस समय भी उनके साथ थे और इनके मुताबिक सब लोग कहते रहे कि वो फ्रॉड आदमी है और वो अब इनका कोई देखभाल नहीं करता है। बाकी बेटियों में एक बेटी साथ रहती थी जिसका खेत में जिसकी मौत हो गई पता भी नहीं चला उस वक्त ये यहाँ नहीं थी। बेटा इनका ग्वालियर में नौकरी करता है बेटी का परिवार यहीं रहता है और इनकी मांग है मोहन नाम है कि वो मोहन जो है वो भूमिहीन है सरकार उसकी कुछ मदद करे। चूँकि इंदिरा गांधी के ज़माने में अर्जुन सिंह की सरकार थी मध्य प्रदेश में जब फूलन देवी ने सरेंडर किया था तो इसलिए ये इंदिरा देवी को इंदिरा गांधी का बार बार जिक्र कर रही हैं। और दो तीन चीज़ें जो हमें कई गांवों में जाके पता चली कि प्रधानमंत्री जो स्कीम शुरू करते हैं वो प्रधान के स्तर तक आते आते क्या शक्ल लेती है ये हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। लीकेज कहां कहां पे होता है क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जब उज्ज्वला का सिलेंडर बटा तो 500-500 रुपये घूस के खाए गए हैं पाए का है 500-500 लाए सिलेंडर के झूठी नहीं बोल रहे हैं। अरे हम कभी कह रहे हैं कि तुम झूठी बोल रही हो। कॉलोनी मतलब पहले इंदिरा आवास योजना थी जो राजीव ने 1985 में शुरू की थी उसके लिए कॉलोनी शब्द इस्तेमाल होता था और अब वो प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसमें गांव में 1,20,000 रुपये 4 किस्तों में मिलते हैं। तो इनका ये कहना है कि गाँव का प्रधान जिसको कॉलोनी देता है उससे 5,000 रुपये घूस लेता है बेनिफिशरी में उसका नाम जुड़वाने के लिए। ये हमें कई गांवों में शिकायत मिलती है कि प्रधान के स्तर पर पंचायत के स्तर पर बहुत भ्रष्टाचार है। अब 10,000 हमें पता लगो 10,000 दे गए मोदी वाले जो कालपी में कौन ठाड़ो बहु तब प्रधान का 10,000 रुपया मिली है। अच्छा तो वो सबसे काट फिरा दे वोट फूल में दियो कमल के फूल में दियो प्रधान सबसे काट। चलिए मुझे नहीं पता आपने सियासत के कितने नए पाठ सीखे या आपके मन में जितनी भी संकल्पनाएं हैं उसमें कुछ जुड़ा या घटा पर अपने तई हम कोशिश कर रहे हैं कि समाज के अलग अलग वर्गों तक जाएं अलग अलग किरदारों तक जाएं और इस देश का ये जो उत्सव है जो हम सब अलग अलग ढंग से मना रहे हैं कोई हाथ में इंक लगा के सेल्फी डालता है कोई कोसता है कोई डेमोक्रेसी को ओवररेटेड बताता है कोई किसी पार्टी के गुणगान करता है कोई किसी को सेवियर बताता है उन सब के बीच ये वो भारत है जो कैमरों की नज़र से दूर होता है या कभी कैमरों पर आता है तो वो इनक्रेडिबल इंडिया का एक शॉट भर होता है जिसमें कोई बच्चा बकरी के बच्चे को गोद में लिए है या कोई गेहूँ की बालियों के बीच खड़ा हुआ है पर फोटो और उसमें जितना फ़र्क होता है मुर्दा से ज़िंदा के बीच का फ़र्क उतना ही फ़र्क उन तस्वीरों में दिखने वाली सच्चाई में और सच्ची सच्चाई में है। आप देख रहे हैं dlallantop.com। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो सबसे पहले इंस्टॉल करो।